दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज हमारे कई दर्शकों ने हमसे फिर से एक बार कहा है कि गुरुजी अरविंद केजरीवाल के बारे में प्रोग्राम कीजिए। आपने पहले भी अरविंद केजरीवाल के बारे में आगाही की थी, तब सारे भारत के एस्ट्रोलॉजर गलत साबित हुए थे और आप ही सही साबित हुए थे। ठीक ऐसा ही आपने वेस्ट बंगाल के अंदर भी प्रिडिक्शन किया था, ठीक ऐसा ही आपने गुजरात के अंदर सीएम शंकर सिंह वाघेला के बारे में प्रिडिक्शन किया था, ठीक ऐसा ही प्रिडिक्शन गुजरात के अभी जो वर्तमान सीएम है विजय रूपाणी साहब के बारे में किया है। अभी तक आपका एक रिकॉर्ड बन गया है। तो चलो दर्शकों की चॉइस की वजह से आज हम अरविंद केजरीवाल की कुंडली के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 समय 23:46 को हरियाणा में हुआ था। लग्न में वृषभ राशि का चंद्र है, कर्क राशि का मंगल है, सिंहस्थ सूर्य बुध गुरु शुक्र है, कन्या राशि में केतु है, मीन राशि में राहु है, मेष राशि में वर्गोतमी शनि है। जबकि चालीस कुंडली में वृषभ का चंद्र है, सिंहस्थ सूर्य मंगल है, मेष में शनि राहु है। अभी वर्तमान समय में दिनांक 17 अगस्त 2020 से शनि की मां दशा चल रही है। शनि की मां दशा में शनि की अंतरदशा 21 अगस्त 2023 तक रहेगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में शनि महाराज कुंभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, गुरु ग्रह मीन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, राहु मेष राशि में 12वें भाव में शनि के ऊपर से मेन कुंडली में गोचर भ्रमण करेंगे। चलित कुंडली में शनि राहु के ऊपर से राहु का गोचर भ्रमण विनाशकाल विपरीत बुद्धि सब दिन एक समान नहीं होते, दुख के सुख के सब साथी दुख में न कोई। मूल कुंडली में भाग्य कर्मेश शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव में शनि ऊपर, जब शनि शनि को देखता है तो शनि थप्पड़ मार देता है, जब शनि ग्रह देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और ले लेता है तो थप्पड़ मार के सब कुछ ले लेता है। पॉलिटिक्स में ईटिंग मीटिंग सीटिंग और सेटिंग का महत्व रहता है। सीट का मोह इंसान से छूटता नहीं है, मगर ये सब ग्रहों और दशा के मुताबिक ही चलता है। कुंभ के शनि की सातवीं दृष्टि सुख स्थान के सूर्य बुध गुरु शुक्र यानी कि प्रवज्ञा योग पर पड़ती है। तो जिस तरह साधु चलता भला नदी बहती भली, अगर रुक गई तो पानी में लील पड़ जाती है, जैसे बंद मकान में उदई। भाग्येश कर्मेश 12वें भाव में और उसमें भी शनि की मां दशा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अपनी मेहनत का नतीजा किसी भी प्रकार से भुगतने को इंसान को नहीं मिलता है। हम शास्त्रों के मुताबिक ही प्रिडिक्शन करते हैं। अब ये जो प्रिडिक्शन किया है वो भी देख लेना, अभी जब इलेक्शन होगा तब मीन राशि के राहु के ऊपर से गोचर में गुरु का भ्रमण होगा, तो विप्र चांडाल योग बनने से उनको सिर्फ मुस्लिम समाज ही वोट देंगे, ये बात लिख लो। उसमें भी कभी मतभेद भी हो जावे इसकी भी गारंटी हम देते, बाकी उनको आशा नहीं रखने की, क्योंकि जब राहु के ऊपर से गुरु का गोचर भ्रमण और भाग्य कर्म शनि की मां दशा में शनि की अंतरदशा, फिर पूछना ही क्या। एक ग्रहों की सिचुएशन तो ऐसा दिखा रही है कि गुजरात चुनाव के अंदर शायद उनकी यदि अगर सीट भी आवे तो एक अंक के अंदर आएगी, 1 से 9 के अंदर वो कभी सीएम नहीं बन पाएगा। और आइंदा ये भी लिख लेना, हमारी गारंटी हमारी चैलेंज है, दिल्ली के चुनावों में भी वो फिर से अभी सीएम नहीं बनेंगे, ऐसी आगाही हम करते हैं। हमारा ये नॉलेज है, हमारा एक गौरव है। तो आज हमारे कई दर्शकों की चॉइस की वजह से हमने ये प्रोग्राम कर लिया। अब जो भी दर्शक हमारा कॉन्टेक्ट करना चाहता है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9638 4
2 0 3 2 1 सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।